السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जी शेख, मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक गैर मुसलमान है और मुसलमान है, और ये दोनों अनजान है शेख. ये जी दो जो मुसलमान है वो भी शरीयत के रूल्स को ज्यादा तरजीह नहीं देता था, जैसे रिबा को हराम नहीं मानता था, हर चीज खाता था. इन जी दोनों ने जी इन दोनों ने लोन ले लिया शेख, लोन ले ठीक लिया है और दोनों प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन गए. तो जब ठीक है लोन ले लिया और फेड रहे हैं, तो इन पर इंटरेस्ट देना देने पर गुना होगा, या फिर ये लोन चुका कर बाद में तौबा कर लेंगे? जज़ाकअल्लाह. बारकल्लाह फिक शेख अरशद, सवाल आप रिपीट करें प्लीज, हाँ मैं सवाल में रिपीट कर समझ देता हूँ शेख. सवाल भाई का ये है कि दो लोग हैं जिसमें से एक मुस्लिम थे एक गैर मुस्लिम थे, समझिए. और वो मुस्लिम भी ऐसे थे कि सब खा लेते थे, कुछ भी हो, सूद हो, इंटरेस्ट हो, सब खा लेते थे. तो इन दोनों ने मिलकर के एक बिजनेस के लिए लोन लिया इंटरेस्ट बेसिस पर, और लोन नहीं लेकर नहीं के नहीं वो शेख, चला. दोनों बिजनेस नहीं कर रहे शेख, दोनों अनजाने हैं शेख, दोनों अनजाने हैं, दोनों एक एक दूसरे से दूसरे अनजान है. अनजान है अच्छा, जी. दोनों एक दूसरे से अनजान है और उन्होंने लोन लिया है. अब उनको एहसास हो गया और वो जो है सही मुस्लिम बन गए, तो अब ऐसी सूरत में उनको इंटरेस्ट देना है वो लोन खत्म होने तक, और फिर उसको तौबा करनी है, या क्या करना है शेख, आप ये बताएं. जी बिल्कुल, देखिए तो फिर उस गैर मुस्लिम को साथ में जिक्र करने का क्या फायदा है सवाल के अंदर? यूनुस भाई, माने शेख, वो हम सुनते हैं ना शेख, अगर कोई मुसलमान बन जाता है तो उसने हराम कमाई हुआ, हराम कमाया हुआ भी उसके लिए हलाल बन जाता है. तो जब वो लोन, जब तक फेड, उसको पता नहीं था ना शेख कि वो हराम था पहले, तो मुझे लगा कुछ यहाँ पे केस अलग होगा, समझा था मैंने. नहीं नहीं जी तो जी दोनों दोनों सवाल अलग अलग है. देखिए, कोई आदमी है जो सूद में मुलव्वस है, सूद खा रहा है, सूद ले रहा है, सूद दे रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हिदायत दिया और उसे एहसास हुआ कि मैं गुनाह कर रहा हूं. अब वो तौबा करना चाहता है सच्चे दिल से. अब वो सच्चे दिल से तौबा करना चाहता है तो सबसे पहले वो जो जितना भी सूद का मामला उसके जिम्मा है सबको फौरन, वो सबको फौरन क्लियर करे. जो भी लेन देन उसका लोगों से बचा हुआ है, अगर ऐसे लोग हैं जो माफ कर सकते हैं उसको, तब तो उनसे माफ करवा ले. और जाहिर है हमारे यहां तो ये मुमकिन नहीं है, उसको देना ही होगा, तो ले दे करके अपना मामला फौरन रफा दफा कर ले और तौबा कर ले. अब तक जो उसने किया है उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो तौबा कर रहा है. जो माजी में हो चुका उसको भूल जाए, आगे जो है वो आइंदा ऐसा काम ना करने का इरादा करे, और फिर वो अपनी जिंदगी आगे शरीयत के हुक्म के मुताबिक जिए. ये उस मुसलमान के लिए है जो सूद खाता था, उसे एहसास हुआ, अब वो तौबा कर रहा है. तो जब ये हुक्म उस मुसलमान के लिए है, तो कोई काफिर अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो इस्लाम कबूल करने से पहले पहले जो सूदी मुआमलात थे उसके, जाहिर है इस्लाम कबूल करने के बाद उससे फौरन निकलेगा, और फौरन निकलने के बाद जो सूदी कारोबार उसका था जिससे वो कमाया उमाया था पैसा, ऐसा नहीं कि वो पैसा उसके लिए हराम होगा, वो जो कमाया था उसका है, अब आज के बाद वो नहीं करेगा, लेकिन अब तक जो उसने कमाया है वो उसका है. जी जी भाई, जो जी इसी पर है शेख, अगर वो जो मुसलमान है वो पहले पहले दूसरों को कर्ज दे के सूद खाया करता था, जो उन्हें जो उसने सूद भी कमाया है उसको दे, जो दूसरों को दे देना, गरीब को दे देना अफजल होगा, या फिर वो यूज कर सकते हैं जैसा कि यूज कर. देखिए दरअसल ये इस मसले में इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बहुत तफसील से इस मसले को जिक्र किया है कि कोई मुसलमान गुनहगार आसी, कोई गुनहगार मुसलमान वो सूद खा रहा है, लेकिन जब उसको गुनाह का एहसास होगा और वो तौबा कर रहा है, तो वो जो माल जो वो ले चुका है सूद में उसका क्या करेगा? कुछ लोगों ने तो कहा है कि उसको कहीं पर खर्च कर देगा, लेकिन सही बात यह है कि अगर वो तौबा कर रहा है सच्चे दिल से, वो तौबा कर रहा है, अब आइंदा नहीं करेगा, तो वो जो माल मिला है उसको, वो माल उसका है, उसको कहीं देने की जरूरत नहीं. क्यों? इसलिए कि जिस तरह से कुफ्र के बारे में है
कि अल इस्लाम यजुब्बु मा कबलहु, उसी तरह से तौबा के बारे में भी है कि अत्तौबतु तजुब्बु मा कबलहा, जब तौबा आपने किया तो पहले के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा और उसे आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। उसकी एक हिकमत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने यह जिक्र की है कि अगर जो लोग सूदखोर हैं उनमें से अगर कोई तौबा करना चाहता है, हमारे पास आए और हम उससे कह दें कि ये जो बहुत कई मिलियन आपने सूद में कमाया हुआ है पहले इसको देना होगा तब आप तौबा कर सकते हैं जी, तो आप बताइए वो तौबा करेगा? कई लोग तो हो सकता है कर लें, लेकिन कई सारे लोग, माल ऐसी चीज है कि आप उसको तौबा से रोक देंगे जी जी, तो उसको तौबा करने दीजिए, वो माल उसका है। सही बात यह है कि अगर कोई पहले सूद खाता था अब वो तौबा कर रहा आज से, तो जहां से वो तौबा कर रहा है पहले जो भी माल उसके पास है उस माल को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखें, जैसे बैंक में जो लोग पैसा जमा करते हैं तो उनको थोड़े थोड़े दिनों पर वो इंटरेस्ट का या सूद का पैसा मिलता है जी, तो उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो तौबा करने वाले नहीं है, वो तो आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं, उनकी मजबूरी है कंटिन्यू करना, तो उनका मसला तौबा का नहीं है क्योंकि वो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए वो उनके लिए वो दुरुस्त नहीं है। और वो पहले उसको हलाल नहीं समझते थे, ऐसी बात नहीं है, वो पहले भी गलत समझते थे और मजबूरी में उसमें गए हैं तो उनके लिए हलाल नहीं है। लेकिन जो शख्स पहले गुनाह कर रहा था और बगैर मजबूरी के तौबा में उसमें सूद में मुलव्वस था, अब वो तौबा करना चाहता है तो कमाया हुआ माल वो वापस नहीं करेगा बल्कि वो उसको इस्तेमाल कर सकता है जी। जज़ाकअल्लाह खैर।